कहन लगे बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना खोसा। हे दाता जी तेरे तो बिना पिछा मुड़ा। कहन लगे सच जानी मैं किसे रूप विच होवांगा किसे थां ते होवांगा। तू किते भी बैठा होवे किसे नू पता लगे ना लगे पर मेरे बुढ़े बाबा तेनू जरूर पता लगेगा गुरु नानक दी जोत किते है। बाबा बुढ़ा जी असीस लै के करतारपुर आ गए। गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह विराजमान हुए। अज करतारपुर दी धरती ते इकट्ठ हुए हैं। इस महान सिख नू पहला सन्मान मिल लगा। तन गुरु नानक साहब जी ने भरी संगत विच कहा है भाई बिरद जी उन्हां लई शब्द भाई बुढ़ा भी वरत्या जांदा सी कि भाई बिरद जी अज असी अपनी जोत भाई लहणा जी दे अंदर टिका देनी है। तुसी एक कम करो कि गुरतां गद्दी दी मर्यादा तुसी निभाओगे। उस वेले बाबा बुढ़ा जी ने अपने घर कमलां दे नाल गुरु ने तां गुर शब्द तिलक निशान दिता ते बाबा बुढ़ा जी ने इस रस्म नूं अदाय करदिआं होइआं अपने कर कर्मां नाल धन गुरु अंगद साहब जी दे मस्तक दे उत्ते गुरतां गद्दी दा तिलक लाया ते उस दिन पहला बाबे नानक ने भाई लैणे नूं मत्था टेकिआ ते दूसरा मत्था टेकिआ बाबे बुढ़े ने ते जिथे बाबे बुढ़े दा मत्था टेक जाए संगत भरोसा कर लग पई कि गुरु नानक दी जोत इत्थे ही टिकी है। हजूर गुरु अंगद साहब खडूर साहब दी धरती ते आ गए। बाबा बुढ़ा जी करतारपुर साहब रहे। गुरु के सिखां नूं इह खबर पहुंच चुकी है। आम संगत नूं पता लग गया कि बाबे बुढ़े नूं बख्शीश मिली है कि बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना खोसा। गुरु अंगद साहब आए माई पिराई दे घर टिक गए। नाल कह दिता माई किसे नूं सुनेहा नहीं देना कि असी तेरे घर टिके हां। बाहरों किवाड़ ला दिता गया ते सतगुरु अंदर टिक गए। कई बार असी ये शब्द वरतने हां कि अंदर क्यों टिक गए। मैं एक बेनती करा गुरु खरक सोग तो उपर ने कोई शक नहीं जिस प्यारे दे चरणा विच रह के इनिया बख्शा लिया होण जदों उन्हें चरणा विच मत्था टेक दिता होवे सच जाणो ओ तां शुकराने वजो ही अंदर टिक गए। गुरु नानक साहब जी का प्यारा सिख बाबा बुढ़ा करतारपुर है। हजूर गुरु नानक साहब जी प्रापुर प्याना कर गए। संगत बेबल हो गई कि गुरु नानक साहब दे दर्शन करने ने। ए पता है कि भाई लहणा जी गुरु अंगद साहब बन गए ने पर ए नहीं पता कि उन्होंने अपना टिकाणा अपना वसेबा किथे कीता है। ते मैं कई बारी कहना प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहिंदे सन कि बाबा बुढ़ा जी सिखी दे कुतबी सितारे ने। जदों किते सिखी दा जहाज डगमगान लगदा सी एक कुतबी सितारा उन्हूं डगमगान तो बचा के किनारे ते ला देंदे सन। अज संगत बेबल होई कि गुरु अंगद साहब दे दीदार पाने ने। सब तो पहला नजर गई बाबे बुढ़े कोल। बाबा बुढ़ा जी ते नजर गई संगत कोल पहुंच गई कि बाबा जी तुहानू गुरु नानक साहब ने अपने सीने ना ला के सिर ते हथ रख के कहा सी बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना खोसा। सानू एक किरपा करके दस कि तेरा गुरु नानक साहब किथे टिकिया है। देखो अंदर सुरत करके महापुरश बाबा बुढ़ा जी करतारपुर तो संगत लैके चले। रावी पार कीती खडूर शहर विच आ पहुंचे ने नगर विच आ पहुंचे ने सीधे माई पिराई दे घर जा पहुंचे। असी कहांगे बाबे बुढ़े नूं किवें पता लग गया। मैं बेनती करा गुरसिखो जिन्हां नूं टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां कहिंदे आ रब ने तां उन्हां नूं भी इन्ना कु ज्ञान दिता है। ओह भी इश्क पालन लई भावे जिन्ने मर्जी तय खानिया विच दीवे बालो पतंगे नूं टेढ़ी जून कहिंदे आ ओह प्यारे नूं तय खाने विच भी जा मिलदा। केड़ी खेचे जिहड़ी पतंगे नूं उत्थे लै पहुंचदी खैं। कमल दा फुल किते वे ते भवरा किते खैं। भवरे नूं इक खिच कमल दे फुल तक लिजांदी ए। मेरे गुरु नानक दी जोत ने बख्शीश दित्ती बाबे बुढ़े नूं। माई भराई दे घर बाबा जी गए पिछे संगत पहुंच गई। बाबा जी ने कहा मां माई तेरे घर अंदर सतगुरु की जोत लट लट करके बर रही खैं। कहन लगी बाबा जी तुहानू किसने दस दिता कि मेरे घर गुरु नानक साहब दी जोत है। बाबा जी मुस्कुरा के कहन लगे मां सच जानी
तेरे मस्तक ते जड़ा नूर डलका मार दे किसे अंदर दे खजाने दी ए सानू सूचना प्या देंदा है। तू झूठ ना बोल, तेरे घर अंदर गुरु नानक साहब टिके ने। हाथ जोड़ के क्या बाबा देख तेनू ना नहीं, तू गुरु नानक दा अनन सिख है पर मेनू हुक्म है किसे नू दसना नहीं। ते बाबे बुढ़े ने पहली जुगत सानू दिसी के जदो गुरु प्रगट हुण करना होवे ते गुरु प्रगट किवें करीदा है। आप बैठ गया दरवाजे दे सामने, रबाबिया नू आवाज दिती, रबाबी उठ के आए, कहन लगे मेरे गुरु नानक दा शब्द पढ़ो। मेनू भरोसा है कि गुरु नानक दा शब्द सुन के गुरु अंगद साहब बार जरूर आउणगे। दरवाजे दे सामने सिख संगत है, रबाबिया ने कीर्तन शुरू कीता। बाबा बुढ़ा जी संगत विच बैठे ते कीर्तन दी जदों धुनी उठी कि मेरे लाल जीओ तेरा अंत ना जाना। जदों कीर्तन दी धुनी उठी कि तू दरियाओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लहां, कीर्तन दी धुनी उठी के पी तेरी कीमत ना पवे खौ केवड़ आखा ना हो, इको दम कवाड़ खुलिया ते तन गुरु अंगद साहब सचे पातशाह संगत विच आ बराजमन होए। सब तो पहला बाबा बुढ़ा जी उठे, हजूर दे चरणा विच मथा टेकिया, कह लगे बाबा जी तन गुरु अंगद साहब, बाबा जी आप जी नू सूचना नहीं सी के इस घर दे अंदर किसे ने किवाड़ नहीं खोलना। कहन लगे दाता मैं ता किवाड़ खड़काए ही नहीं। कहन लगे सच जानी, लोक केवल बाहर दियां कुंडियां खड़कांदे ने, तेनू गुरु नानक अंदर दे बुवे खड़कान दी जाज दस गया। तू अंदर दे बुवे खड़काने जानने, तू अंदर दी कुंडी खड़काई। कहन लगे मैनू भरोसा सी मेरे बाबे दी बाणी सुन के तुसी बाहर आओगे। सच्चे पातशाह ऐस संगत ते करो मेर, हजूर दे नेत्र छलक आए जदों कहा कि गुरु नानक साहब तुहानू इस संगत लई उधार कर ली थाप के गए, इस संगत नू तुहाडा लड़ पकड़ाया। बस नानक शब्द सुन दी देर सी ते गुरु अंगद साहब दे नेत्र छलके, कहन लगे जिस प्यारे सो ने तिस आगे मर चलिए, त्रिक जीवन संसार ताके पाछे जीवना। नाल ही बचन कीता के जो सिर साई ना निवै सो सिर दीजै डार, नानक जिस पिंजर में बिरखा नहीं सो पिंजर ले जान। हजूर संगत विच बैराग विच बैठ गए। बाबा बुढ़ा साहब ने चरण पकड़े, खे सच्चे पातशाह बड़ियां गरीब नवाजी कीती, नवाजशां कीतियां जे इस बुढ़े दे प्रति हुक्म किए, मेनू हुक्म लाओ मैं की कार कमाणी है। ते गुरु अंगद साहब ने बाबा बुढ़ा साहब नू मुखातब करके शब्द कह सन के दीखिया आख बुझाया, सिवती सच समेयो तिन को क्या उपदेशिया जिन गुरु नानक दे। की उपदेश तुहानू देना है जिन्हां नू गुरु नानक साहब ने सीने न ला के बच्चे तो बुढ़िया वाली बजुर्गी वाली पदवी दे दिती। हजूर दे कोल खडूर साहब दी धरती ते बाबा बुढ़ा जी टिके रहे। कर देखो कथू नंगल तो चले ने करतारपुर दी उसारी कराई, ए सिक्खी दा थम बाबा बुढ़ा साहब अज खडूर साहब आ गए। सिख संगत दी सेवा संभाल बाबा बुढ़ा जी ने शुरू कर दिती। गुरु अंगद साहब मेरां दे दाते ने गुरता गद्दी दिती धन गुरु अमरदास जी नूं। असी एक एक गुरु जी दे समय बाबा बुढ़ा जी दा की योगदान है। गुरु अंगद साहब जी ने धन गुरु अमरदास जी नूं गुरु बनाया ते अज फिर बाबा बुढ़ा साहब आए। पहला मत्था गुरु अंगद साहब जी ने टेकिया ते दूसरा मत्था बाबा बुढ़ा जी ने गुरु अमरदास नूं टेकिया ते गुरता गद्दी दा तिलक दिता। ते ए महापुरश गुरता गद्दी दा तिलक दे के कुछ समय लिए अपने घर नूं चले गए। तन गुरु अमरदास गोइंदवाल साहब दी धरती ते आए। देखो उस महापुरश दी अंदरो सुरत दा टिकां किन्ना गुरु दे अंग संग ने। हजूर कृपालू जी गोइंदवाल साहब आ गए। अज गुरु के पुत्र बाबे दातू ने परे दरबार विच तन गुरु अमरदास जी नूं लत मारी। हजूर ने चरण पकड़ के कहा सी गुरु के लाल दोष तेरा नहीं मेरा है, तुहाडे दर ते गागर ढोण वाला दास ते मेरे गुरु का लाल आवे ते मैं अगो जी आया ना कहण जा। बाबे दातू ने कहा अज शाम तक तुसी एथों टिकोगे,
कल अमृत वेले दे दीवान तक तुसी गोइंदवाल नहीं रहने चाहिए। गुरु अमरदास हाथ जोड़ के कहिंदे ने, खां बाबा जी मैं कल सवेर तक गोइंदवाल नहीं रहांगा, सिर्फ रात नू मैं चला जावांगा, एक रात मैनू दिओ। किसे सिख संगत नू खोर नू पता नहीं, तन गुरु अमरदास जी ने घोड़ी ते असवार हो अपने पिंड बासर के चले गए, जिथे गुरुद्वारा सन साहिब खै साहिब कृपालू जी जा उते विराजमान हुए, बाहरों दरवाजे लिप दिते गए, नाल कह दिता कि जो बाहरले दरवाजे नू खोलेगा सो गुरु का सिख नहीं। इधर गोइंदवाल साहब दी धरती ते संगत बेबल होई, सेरे दरबार सजे कीर्तन होए, पर गुरु अमरदास जी दरबार विच आए नहीं। जाके देखिया ना घोड़ी ना धन गुरु अमरदास, संगत बैराग विच आई, हजूर गए किथे। फिर नजर गई कुतबी सितारे वल के बाबे बुढ़े नु पुछो के गुरु नानक दी जोत उन किथे टिकी। बाबा बुढ़ा साहब गोइंदवाल साहब आए, आके सिख संगत नु पुछया ते जदो पता लगा के बाबे दातू ने लत मारी है, ते बाबा बुढ़ा साहब ओ घोड़ी वापस आ गई सी पिंड बासर के तू, घोड़ी नु अगे लाया आप संगत लैके पिछे तुरे, पिंड बासर के उस मकान दे कोल जा खलोते जिथे धन गुरु अमरदास जी ने मकान दी परिक्रमा कीती। बाहर वाले दरवाजे बंद सन, बाबे बुढ़े ने एक जुगत सोची, क्योंकि नु पता है जे माता पराई दे करने कीर्तन करांगे गुरु प्रगट होवेगा। हुण उन्हां ने बाहर दे दरवाजे नहीं खोले, उन्हां ने पिछले पास्यों सन लाई, गुप्त दरवाजा खोल दिता, गुप्त दरवाजे बना दिते। ते बाबा बुढ़ा कह रहा सी दुनिया दे लोगो शब्द गुरु प्रगट करना है, बाहर दे दरवाजे बंद करिए ते अंदर दे गुप्त दरवाजे विच सन लाइए ते गुरु दे दर्शन होंदे। नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया। बाबा बुढ़ा साहब सन ला के अंदर गए, तन गुरु अमरदास कृपालू चौंकड़ा मार के बैठे ने। बाबा जी ने नमस्कार कीती, हजूर कृपालू दे नेत्र खुले, कहन लगे बाबा जी बुढ़ा साहब जी तुसी, चरण पकड़ के कहन लगे बख्श दियो, आप दा दास हां, सिख संगत तुहाडे दर्शना तो बिना उतावली है। साहब ने कहा तुहानू पता नहीं कि दरवाजा किसे नहीं खोलना, खत जोड़ के क्या दाता कोई नहीं खोलेगा, असी तां ओ दरवाजे खोल के आए हैं जिन्हां दरवाजिया नू खोलन दी तुसी गल बाणी विच कर देखो। हां गुरु अमरदास बाहर आए, पहला बाबा बुढ़ा जी आए, नाल गुरु अमरदास आए, इको दम संगत विचो आवाज आई, धन बाबा बुढ़ा जिन्हें गुरु लदा। शब्द सन बजुर्गां साडियां दे के धन बाबा बुढ़ा जिन्हें गुरु लदा। धन गुरु अमरदास संगत विच बैठ गए, बाबा बुढ़ा जी पिछे चले गए, क्योंकि उस गुरमुख ने अपनी खोंद नू इन्ना को मिटा दिता है, सब दा आगू हो के भी सब तो नीवा रहिंदा है, पिछे बैठ गए। तन गुरु अमरदास जी ने कोल बुलाया, उथे कोई शब्द कहे ने, कहन लगे साध संगत बाबा बुढ़ा जी सिखी दे जहाज ने, साध संगत बाबा बुढ़ा जी सिखी दे थम ने। ते तीजा बचन क्या, जे गुरु दा नाम लैके पाप कटे जांदे ने, जेड़ा बिरध बाबे दा नाम लेगा पाप ओदे भी कटे जाने। उथे कवि संतोख सिंह ने एक बचन कहे, कहन लगे ए सिखी को बोहित पारा, पवजल ते कर है निस्तारा, कहन लगे ए पवजल तो पार करन वाला है, सिखी दी अवध है, इस तो अगे कोई नहीं, ए सिखी को बोहित पारा, पवजल ते कर है निस्तारा, सिखी अवदना इस तै पर है, सिखी दी खाद है बाबा बुढ़ा जी, नाम लैत गन बिघन सो हरे, जेड़ा बाबे दा नाम लेगा ओदे पाप दगद हो जाएंगे। बाबा बुढ़ा साहब हजूर नू पिंड बासर के तो गोइंदवाल साहब लेके आए, अज जदों पता लगा कि दरिया तो पानी नहीं भरन देंदे, उच्ची जात वाले मशकां पाड़दे ने, घड़े तोड़दे ने। गुरु अमरदास जी ने कहा बाबा बुढ़ा जी के आपां पानी दा प्रबंध अपने घर विच करिए, जेड़ी बौली साहब दे तुसी दर्शन करदे हो गुरसिखो, इस महान गुरसिख दी करनी नू तकियो। कहन लगे बाबा जी असी अपने घर विच बौली बनावांगे,
सिख संगत नू समा दस दिता इस दिन बौली दा टक लाया जाएगा। बाबा बुढ़ा साहब आए अरदास कीती गल विच पल्लू पा के संगत दे मन विच सी कि गुरु अमरदास ने टप लाना है। हजूर ने कई पकड़ी आवाज दिती बाबा जी इस बौली दा टप तुसी लाओगे। देखो जिस बौली विच आप इशनान कर दियो इहदा पहला टप लाण वाले सिक्खी दे कुतबी सितारे बाबा बुढ़ा साहब जी गुरु अमरदास कोल ने। बाबा बुढ़ा जी ने टप लाया बौली साहब दा ते भर के टोकरी मिट्टी दी अपने सिर ते चोके बाहर सट के आए। उस बाबे दे लाए हुए टप दी बरकत है सदियां लंघ गईयां अज भी सिख उस बौली दा इशनान करके अंदर दी संतुष्टि पै लैंदे। हजूर कृपालू ने समा आया 22 मंजियां थापियां ने। मैं च एक सज्जन दा खोज भरिया लेख पढ़िया वह कहिंदे ने 22 मंजियां केवल नहीं 22 प्रचारक जिहड़े वख-वख थावां ते प्रचार करदे सन इन्हां 22 दी कमांड बाबे बुढ़े दे खत्त विच सी। इन्हां नूं आ के दसना पैंदा सी कि साडे प्रचार दा खिता किहड़ा है असीं किहड़ा किहड़ा प्रचार कीता। इन्हां 22 प्रचारकां दा आगू भी है बाबा बुढ़ा साहिब जी। धन गुरु अमरदास मेहरा दे दाते गोइंदवाल साहिब दी धरती ते शैबरां लांदे रहे। समा आ गया भाई जेठां जी ओ गुरु अमरदास दे घर विच आ पहुंचे ने सिर ते टोकरियां चुकदे ने भावें दमाद ते सहुरे दा रिश्ता बन चुका है। अज लखौर दे लोकां ने कहा है कि देखो जी जवाई बना के सिर ते मिट्टी दियां टोकरियां ढवांदे ने। हजूर ने कहा बाबा बुढ़ा जी गुरु अमरदास ने कि तुहानू भाई जेठे दे सीस ते टोकरी भी नजर आउंदी है कि भाई जेठा मिट्टी पिया धोंदा है। इस पूर्ण पुरश ने कहा नहीं दाता जी इन्हां कोल नजर कोई नहीं असल विच ये टोकरी नहीं भाई जेठे दे सीस उत्ते गुरु नानक दा छत्र पिया चलदा है। इन्हां दे सीस ते छत्र है। तन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह प्रापुर प्याना करन तो पहला फिर बाबे बुढ़े नू बुलाया गया गुरु रामदास दे चरणा विच मत्था टेकिया ते बाबा बुढ़ा साहिब आप कोल आए। उन्होंने इशनान करा के बस्तर गुरु भाई जेठा जी नू पहना के दरबार विच लियाए मत्था टेकिया। गुरु अमरदास ने बाबे सुंदर ने अखां नाल अपने पड़दादे नू मर्यादा निभांदियां देखिया ते कूक उठिया कि देखो दुनिया दे लोको सतगुरु पर तख हुंदे बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत भाई रामदास पैरी पाया। उन्हें देखिया उस कौतक नू ते उन्हें बाणी विच कह दिता हर गुरै भाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो। गुरु अमरदास जी ने मत्था टेकिया बाबा बुढ़ा साहब ने गुरियाई दी रस्म नभाई ते अपने वल्लों नमस्कार कर दिती। पर गुरता गद्दी देण तो पहला गुरु अमरदास बाबे बुढ़े नू लैके गुरु रामदास जी दे नाल भाई जेठा जी दे नाल जिस धरती ते अज तुसी खलो के कहिंदे हो डिठे सबे थां नहीं तुद जेहा बद्दो पुरख विधाते तां तू सोया। जिस दिन इस शहर दी मोड़ी गड्डी गई उन्हां मोड़ी गड्डन वालियां विच वी बाबा बुढ़ा साहिब सन। तन गुरु अमरदास जी ने प्रापुर प्याना कीता बाबा बुढ़ा साहिब जी अमृतसर दी धरती ते पक्का मुकाम कर लिया। अज ये कुतबी सितारा जिथे जिथे गुरु जोत जांदी है उथे नाल तुरिया जांदा है क्योंकि आद गुरु कह के गए ने बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना खोसा। टप लाना शुरू कीता कार सेवा आरंभ हो गई ते अज भी परिक्रमा विच खलोती हुई बेरी कह रही है लंघण वालियो मेरी शान दे थले बैठ के गुरु नानक दे सिख बाबे बुढ़े ने सिर ते टोकरियां भी ढोईयां ते संगत तो सेवा भी कराई। अज भी परिक्रमा विधि ओ बेरी बाबे बुढ़े दी गवाही पई दिंदी है ते कोल असीं लंघने आ। मैं इहनू कर्म कांड ना समझियो ते मैनू बुत पूजक ना समझियो मैं उस बोरी बेरी कोल खलो के कई वारी पुछना वा कि दस खां जदों तेरे थले बैठ के टोकरी रख के ये बिरध बाबा बैठदा सी ते गुरु रामदास दे ते नदरां टिकांदे सन इस बाबे दे चेहरे दा जलाल की हो जा सी। किन्नी कु रहमत सी उस बाबे कोल क्योंकि तू सदियां तो खलोती है तेरी आवाज कोई आत्मदर्शी महापुरुष सुन सकदा है।
तू इतिहास समेट के बैठी है, मेरे थले बिरद बाबा टिकदा खुंदा सी। हजूर कृपालू जी दे कोल बाबा बुढ़ा साहब अमृतसर दी कार सेवा पे करांदे ने, अपने खत्ती टोकरियां पे ढोंदे ने। तन गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे वेले की गुरु अर्जुन देव इन्हां तो वड्डे महादेव, बाबा महादेव तो वड्डे ने बाबा पृथिया जी, तीन पुत्र ने। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह बाबा बुढ़ा जी दी संगत विच टिके रहिंदे ने, ते बाबा बुढ़ा साहब नूं पता है कि सच्ची सरकार ने रहमता छोटे ते करनिया ने, बख्शीश इन्हां नूं मिलेगी। बाबा बुढ़ा साहब सेवा भी तत्पर ने, ते गुरु रामदास जी ने तन गुरु अर्जुन देव जी नूं लाहौर दी धरती ते भेज दिता है। हजूर बेबल होके पिता गुरु नूं याद करदे ने, पिरथिया कपट लैके बैठा है, ते पिता ने बाणी विच कह दिता कि पिरथिए भावे तू मेरा खून खै, मां बाप नूं सताण वालिया रुपये का मान ना करी, दो लोकां विच भी सुख नहीं मिलना। हजूर ने बाणी विच कह दिता, काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सो झगरत पाप, जिस धन का तुम गर्व करत हो सो धन किसे ना आप। बाबा बुढ़ा साहब अमृतसर सब कुछ देखते ने। हजूर ने सुनेहा भेजा, बाबा जी कि तुसी लाहौर दी धरती ते जाओ, सच्चे पातशाह हुक्म। कहन लगे अर्जुन जी नू लैके आओ, छोटे पुत्र नू लैके आओ। बाबा बुढ़ा जी अमृतसर साहब दी धरती तो लाहौर गए, ते जदो गुरु अर्जुन देव जी ने बाबा बुढ़ा जी नू देखिया ते चेहरा पूर्ण खड़ा विच आ गया कि मेरे गुरु का प्यारा सिख आया, ते ओ सिख जिहड़ा गुरु नानक दे सीने का प्यार मान चुका है। बाबा बुढ़ा साहब गुरु अर्जुन देव जी नू लाहौर दी धरती तो लैके अमृतसर आए, अमृतसर तो गोइंदवाल साहब आए ने, क्योंकि गुरु रामदास जी ने चलाना गोइंदवाल साहब दी धरती ते कीता है। हजूर ने पूछा गुरु रामदास जी ने, बाबा जी के गुरु जोत दा वारस कौन है? इशारा करके क्या सच्चे पातशाह आप समर्थ हो? कह लगे तवाड़ी सलाह, कहने ए दात ए जोत खसम दी वड्याई है, मैनू तां इंजी अनुभव हुंदा है इस जोत दे वारस केवल तन गुरु अर्जुन देव जी ने। गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जुन देव पुत्र दे चरणा विच नमस्कार कीती। मैं कहना वाह बाबा बुढ़ा साहब जी, जिस शरीर विच जोत प्रवेश करदी सी सिखां विचों सब तो पहला मत्था टेकण दा सुभाग तुहानू प्राप्त हुंदा सी, पहली चरणा दी शोह तुहाडे मत्थे नूं स्पर्श करदी सी। असल विचों कैसे कमाल दी शोह होवेगी कि जिदे विच हुणे हुणे गुरु जोत लट लट करदी प्रवेश कर गई, उस जोत दे पहले चरणा दी छू बाबे दे मथे ते लगदी होवे, किन्ना कु भागा वाला है ओ महापुरश। हजूर कृपालू गुरु रामदास गुरुता गद्दी गुरु अर्जुन देव जी नू दे के प्रापुर प्याना कर गए, ते भट्टा ने शब्द कहे के सतर सिंघासन पृथ्वी गुरु अर्जुन को दे आयो। भट्टा ने शब्द कहे, हरबंस जगत जस संचरो सो कवन कह श्री गुरु मोयो। हजूर दे जिस दिन बरादरी सिख इकट्ठे होए भोग पाया गया, बाबा बुढ़ा साहब जी नू कहा गया दस्तार बनो। ओ गुरु अर्जुन देव जी नू गुरता गद्दी दी दस्तार बनन लगे, ते पृथ्वी ने खलो के दस्तार खो ली, ते नाल ए क्या बाबा के तुसी भी अर्जुन नाल रल गए हो, कुछ तुसी भी एदे कोलो पा लिया है? बाबा बुढ़ा साहब ने परी संगत विच क्या कहन लगे, पृथ्वी एक गल चेते रखी, गुरु जोत कपड़िया दी मुथाज नहीं, जोत तां उदों ही प्रवेश कर गई सी जदों गुरु रामदास ने मत्था टेक दिता सी। पग तू अपने घर लै जा, जिथे मर्जी पगड़ी बन के तुरिया फिरी, जोत तां गुरु अर्जुन देव जी दे अंदर है। तन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह जी नूं लैके बाबा बुढ़ा साहब जी आप हजूर नूं लैके अमृतसर दी धरती ते आ गए। सरोवर दी सेवा आरंभ हो गई, हरिमंदर दी उसारी होनी है। इसे समय दे दरमियान भाई लंगाह ने अपनी जमीन दा एक टुकड़ा गुरु घर नूं भेटा कीता, ते जिस नूं अज आपां बीड़ बाबा बुढ़ा साहब दी कहिंदे। हजूर ने कहा, बाबा जी कि तुसीं बीड़ साहब विच टिकोगे, उत्थे बागबानी, उत्थे पशुआं दी संभाल,
उथे गुरु नानक दे लंगरां वास्ते तुही फसल तैयार करोगे। बाबा जी ने सत बचन क्या, चले गए बीड़ दी धरती ते बीड़ साहिब विच पहुंच गए।